दोस्तों ये है पुणे, जो कि भारत का छठवां और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में मुल्ला तथा मुठा इन दो नदियों के किनारे बसा हुआ है। यहाँ का काफी प्राचीन इतिहास के कारण पुणे को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। वहीं वर्तमान समय में पुणे शहर भारत के एक महत्वपूर्ण आईटी हब के रूप में उभर रहा है, जहां पर दुनिया के कई बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां मौजूद हैं। पुणे का नाम पुणे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है दो नदियों का संगम। वहीं यदि आपको पहाड़ पसंद है तो आपको पुणे बहुत पसंद आएगा। यहाँ हर जगह से आपको कहीं ना कहीं पहाड़ का व्यू मिल ही जाएगा, तथा यह शहर ट्रैकिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। पुणे एक पहाड़ी शहर है जो घूमने और बस से दोनों लिहाज से काफी शानदार है। वहीं अगर हम पुणे शहर के क्षेत्रफल पर नजर डालें तो ये पूरा शहर तकरीबन 331 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल इलाके में फैला हुआ है। और वहीं दोस्तों इसका मेट्रो एरिया कुल 7256 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। बात करें अगर इस सिटी की डेमोग्राफी की तो 2011 सेंसस के आधार पर पुणे में करीब 50 लाख लोग रहते हैं। वहीं एरिया और जनसंख्या का अनुपात देखा जाए तो यहाँ 5700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इस शहर की 86% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। इस वजह से यहाँ का सेक्स रेशियो भी काफी अच्छा माना जाता है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 915 महिलाएं पाई जाती हैं। और आइए अब जानते हैं पुणे के सुनहरे इतिहास के बारे में। तो पुणे का इतिहास 8वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब यहाँ पुन्नका नाम के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। उस समय ये शहर राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अधीन हुआ करता था। फिर 21वीं सदी में आजादी तक कई साम्राज्यों के अधीन पुणे रह चुका था। आजादी के बाद यहाँ ढेर सारे मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाए गए। इसके बाद पुणे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से दुनिया की नजरों में उभरा। पुणे आज के समय भारत का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। और दोस्तों अब जानते हैं इस शहर के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जहां पर आप अपनी गर्लफ्रेंड या फैमिली के साथ कुछ यादगार लम्हे बिता सकते हैं। तो नंबर 1 पर है शिवनेरी किला। शिवनेरी किला पुणे में घूमने की सबसे खास जगहों में से एक है। ये किला महान मराठा सम्राट शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है। ये किला 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसको देखने के लिए यहाँ पर 7 फाटकों को पार करना पड़ता है। ये किला पुणे और मराठा इतिहास को जानने के लिए एक अच्छी जगह है। नंबर 2, लाल महल। दोस्तों लाल महल पुणे शहर के बीच में स्थित ईंटों का बना एक महल है। ये महल पुणे आने वाले पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। इसका निर्माण 1649 में सम्राट शिवाजी के पिता शाहजी ने करवाया था। मराठा इतिहास के बहुत से प्रमाण यहाँ देखने को मिलते हैं। नंबर 3, सिंहगढ़ का किला। दोस्तों अगर आप पुणे के ऐतिहासिक स्थलों को जानना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है सिंहगढ़ का किला। दोस्तों ये किला समुद्र तट से 4300 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर आप हरियाली, सुंदर झरने और अद्भुत शांति का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों इसी किले में शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र का निधन हुआ था। यहाँ पर चारों तरफ प्राकृतिक नजारा है, तो अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो आपके लिए सिंहगढ़ का किला एक अच्छा स्थान हो सकता है। नंबर 4, राजगढ़ का किला। दोस्तों यह किला 25 सालों से भी अधिक समय तक शिवाजी महाराज की राजधानी रहा था। ऊंची पहाड़ी पर होने के कारण ये ट्रैकिंग के लिए एक बेहतर स्थान है। यह किला कई ऐतिहासिक घटनाओं का भी साक्षी रहा है। तो दोस्तों वैसे तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत से स्थान हैं, जिनको हम किसी और वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।